नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। सावन महीने का पहला सोमवार आज है। मंदिरों में पूजा अर्चना करने को लेकर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। सुबह से शिव मंदिरों पर भक्तों की भीड़ नजर आई। भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करने को शिव भक्तों में उत्सुकता दिख रही है। सुरक्षा के मद्देनजर मंदिरों पर पुलिस बल तैनात है। श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। गंगा स्नान के बाद शिवालयों में जल चढ़ा रहे श्रद्धालु। बरवाला गंगा घाट पर गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हुए श्रद्धालु नजर आए हैं। संभल जिले में शिव मंदिरों पर भक्तों की भीड़ सुबह से ही नजर आ रही है। बुलंदशहर के बोर चौराहे पर एक दरिंदे पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। लाठी डंडों से जमकर उसे पीटा, लहूलुहान कर दिया। मामले की जांच लगातार की जा रही है। आपको बता दें कि आरोपी पति वीरेंद्र झूठा दिलासा देकर पीड़ित पत्नी अनिता से 8 मई 2014 को शादी की थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्रो कुमार सिंह बुलंदशहर द्वारा थाना आहार क्षेत्र में भ्रमण कर गंगा घाट, अंबिकेश्वर मंदिर और कांवड़ मार्गों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। ग्रामीण और अन्य अधिकारियों के साथ कांवड़ यात्रा को सकुशल एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराए जाने और शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए थाना आहार क्षेत्र में SSP ने भ्रमण किया है। श्रावस्ती में कांवड़ यात्रा को लेकर श्रावस्ती पुलिस अलर्ट पर है, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मौर्य कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिले के मुख्य मंदिर का निरीक्षण कर कांवड़ियों के आने जाने वाले मार्ग का भी निरीक्षण कर रहे हैं। साथ ही पुलिस अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था में कोई लापरवाही न कर सुचारू ढंग से कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न कराने के निर्देश जारी किए। कांवड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए जगह जगह CCTV कैमरे लगाए गए हैं। यदि कोई अराजक तत्व किसी भी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करता पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के आदेश भी जारी किए गए हैं। जनपद में सभी शिव मंदिरों पर जहां जलाभिषेक होगा वहां विशेष रूप से ड्यूटी लगाई गई है। मुख्य मंदिर जो सिरसिया थाना क्षेत्र में पड़ता है, विभूतिनाथ मंदिर, वहां पे भारी मात्रा में श्रद्धालु आते हैं, जो रात से ही संडे की रात से आ जाएंगे और मंडे को प्रातः से जलाभिषेक करेंगे। और उसके लिए वहाँ पर PAC और इंस्पेक्टर सहित, कई इंस्पेक्टर SI सहित करीब 100 से ज़्यादा की संख्या में पुलिस बल लगाया गया है। फ्लड PAC भी लगाई गई है। 30 के करीब CCTV कैमरा लगाए गए हैं। 3 जगह बैरियर बनाया गया है ताकि भारी वाहनों को और मेला क्षेत्र में वाहनों का प्रवेश रोका जा सके। इसके अलावा सादे में पुलिस बल लगाया गया है। पूरे ज़िले में हर मार्ग पर जो श्रद्धालु आने जाने के रास्तों पर हर जगह पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई है। हरदोई में अमिताभ ठाकुर अधिकार सेना कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे। रिटायर्ड IPS अमिताभ ठाकुर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में वो अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं और बलिया से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि समय उत्तर प्रदेश की स्थिति यह है कि जवाबी कव्वाली जैसा माहौल चल रहा है, जबकि ऐसा माहौल नहीं बल्कि बुनियादी मुद्दों जैसा माहौल होना चाहिए। फर्रुखाबाद में धार्मिक यात्रा पर पानी डालने पर विवाद हो गया है। पानी गिरने के दौरान यात्रा का जो दीपक था वो बुझ गया था। मुस्लिम के द्वारा पानी फेंकने का मामला गर्मा गया है। ग्रामीण दूसरे समुदाय के लेकर बैठक की है और बैठक में हुए बवाल की सूचना को लेकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। ग्रामीणों द्वारा इकट्ठा होने की सूचना मिलने पर SDM और यहाँ पर तमाम पुलिस बल तस्वीरों में नजर आ रहा है। कंपल पुलिस 3 ट्रक PAC लेकर मौके पर पहुंचे। SP अशोक कुमार मीणा और थाना कंपल क्षेत्र के बवलपुर गांव का एक पूरा मामला है और बवाल लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मैनपुरी में हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद करने वाले लोगों, जरा तस्वीर देख लो। कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं जो आपको कुछ अच्छी सीख दे जाती हैं और ऐसी तस्वीर मैनपुरी से सामने आई हैं जो आप देख सकते हैं और अपने दिमाग से मंदिर मस्जिद के प्रति भारी बुराइयों को निकालकर फेंक सकते हैं। ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। बुरके में एक महिला यहाँ आती है और पूजा अर्चना करती है। सावन का पहला सोमवार है। भोलेनाथ के भक्तों ने पूरे सावन भर अपने भगवान को प्रसन्न रखने और उन्हें मानने की पूरी तैयारी की। ऐसे में मैनपुरी नगर का प्राचीन भीमसेन महाराज मंदिर अपने आप में कई की द्वंतियों को सजाए हुए है।
शिव भक्तों के लिए ये मंदिर पहली पसंद है। सावन में इस मंदिर का महत्व और भी बढ़ जाता है। मंदिर पर भक्तों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ साज सज्जा भी की जाती है। उससे पहले ही कल की ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रही है। मंदिर में है ये कथा जो शुरू हो गई है 14 तारीख से, ये कथा 20 तारीख से चलेगी राम कथा। उसके बाद भागवत कथा है आचार्य पंकज मिश्र जी की, वो 21 तारीख से 26 तारीख तक चलेगी। उसके बाद शिव पुराण है धामपुर से आ रही है। सहारनपुर थाना जानकीपुरम क्षेत्र स्थित सड़क दूधली बैंक पालीकरी में MMI स्कूल के फर्जी चलने का एक मामला सामने आया था, जिसमें जांच के बाद खंड शिक्षा अधिकारी ने स्कूल के अवैध संचालन पर रोक लगाते हुए बंद करने के आदेश जारी किए। बता दें कि स्कूल कक्षा 1 से 12वीं तक चलाया जा रहा है। खंड शिक्षा अधिकारी सुरेश त्यागी ने बताया कि MMI स्कूल सड़क दूधली बैंक पालीकरी का स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसमें संचालक मेहताब अली, प्रधानाचार्य यास्मीन, विद्यालय मदरसा के किसी प्रकार की कोई मान्यता नहीं दिखा सके। मेरे संज्ञान में आया था, एक शिकायत आई थी उनकी कि बिना मान्यता के विद्यालय का संचालन कर रहे हैं। तो मौके पे जाके देखा गया था, विद्यालय उस समय बंद मिला था, उसके बाद भी देखा गया तो भी विद्यालय बंद था। तो उनसे पेपर लिए गए थे, तो उन्होंने कहा कि हम जो है उसके लिए हमने एप्लीकेशन डाला हुआ है, तो मान्यता होगी तभी, इसलिए उनको नोटिस भी जारी किया गया था कि जब तक की मान्यता नहीं होती है कोई विद्यालय का संचालन आपके द्वारा नहीं किया जाएगा। अभी मेरे संज्ञान में तो अभी आया है, देखते हैं उसका, अपने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से बात करके उसके संबंध में जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी की जाएगी। सोशल मीडिया के जरिए हुए प्यार को पाने के लिए विशाखापट्टनम की महिला अलीगढ़ पहुंच गई। शादी का झांसा देकर युवक लगातार शारीरिक शोषण करता रहा, अवैध संबंध बनाए। थाना कुआरसी क्षेत्र के जीवनगढ़ में रहने वाले इमरान पर महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। 3 दिन तक इमरान के घर पर रहने के बाद जब महिला ने शादी की बात कही तो मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया। पीड़ित महिला न्याय के लिए थाना कुआरसी पहुंची हुई है। पुलिस ने मुकदमा अभी तक दर्ज नहीं किया है। सर, इमरान नाम का लड़का है, फ़ोन के ज़रिए मुझसे मिला था, वो मुझसे बातचीत हुई, रिलेशनशिप हुआ। उसके बाद उसने पिछले महीने मुझे बुलाया था कि आ जाओ शादी करते करके, मैं आ गई। फिर मेरे को लेके ग्वालियर चला गया, ग्वालियर में एक महीना मेरे साथ रह के उसके बाद वो मुझे छोड़ गया। अब बोलता कि शादी नहीं करेगा मुझसे, तू चले जा ऐसे बोल के। उसके घर वालों ने भी बहुत मार के मेरे पैसे वैसे लूट के 15 तारीख की रात को मेरे को भगा दिया था उसके घर से। संभल में इनोवा सवार बदमाशों के गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। सवारी को कार में बिठाकर तमंचे के नोक पर 11,000 रुपए लूटे थे। 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। तमंचा, कारतूस, कार और लूटा गया कैश बरामद हुआ है। बैजोई थाना क्षेत्र का ही पूरा मामला। जौनपुर में श्रद्धा और जोश के साथ सावन के पहले सोमवार को भक्तों का शिव मंदिरों में जवाबड़ा देखने को मिला। रात से ही शिव भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए मंदिरों में जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करने के लिए पहुंचे थे। तो वहीं दूसरी तरफ शागंज नगर के जेसी चौक पर कावड़ यात्रा पर बीजेपी नेता रूपेश जायसवाल द्वारा पुष्प वर्षा की गई और शिव भक्तों के लिए प्रसाद वितरित किया गया। कांवड़ ले जा रहे सभी शिव भक्त भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर आगे बढ़े हैं। वहीं जागरण और आकर्षक झलकियां लगातार लोगों का मन मोहती हुई नजर आई। बलरामपुर में सावन के पहले सोमवार को शिवालयों में भारी भीड़ नजर आई। जिला प्रशासन ने फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। पचपेड़वा के शिवगढ़ राजा जोत के जंगली बाबा मंदिर, तुलसीपुर के देवीपाटन शिव मंदिर, जोगटा बाबा पोखरा मंदिर पर भारी भीड़ नजर आई। जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने शिव भक्तों के लिए खास इंतजाम किए हैं। SP और DM खुद लगातार शिव भक्तों का स्वागत करते हुए नजर आए। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया के साथ। At GLE.
यूनिवर्सिटी।